ते टीममध्ये आपण बरकत शेख हे देखील खेळताना पाहतोय, त्यामुळे बॅटिंग लाईनअप खूप तगडी आहे यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही आहे. जरी जास्त धावा झाल्या असतील तरी या पिचवरती होताना आपण पाहिल्यात, कारण अतिशय सुंदर पिच पाहतोय आपण, अतिशय सुंदर विकेट्स बनवले या ठिकाणी अजय जगदाने याने. सागर निकम, बरकत शेख, पैगंबर अत्तार, समीर काळे, श्रीकांत रावते, प्रवीण डाळे, सूरज पवार, रोहित भोईटे आणि असलम शेख, एवढी बॅटिंग लाईनअप आहे. म्हणजे बाकीचे बॅटर देखील कामगिरी करू शकतात, परंतु हे प्रॉपर बॅटमन तुमच्याकडे आहेत. आता ते सर्व खेळवायचे की इथे भागीदारी करत पुढे सरकायचं हे देखील महत्त्वाचं आहे. जास्त वेळ घेऊ नका. जय मल्लर टीमचा कॅप्टन आणि हॉटेल साम्राज्य संघाचा कॅप्टन आपण लगेच यायचा आहे. ये बुक आपला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, दोनों टीमों के लिए काबिलियत दोनों के पास है. और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए सिद्धार्थ विनु तय चौहान स्मारक इंड से गेंदबाजी करेंगे. सामना करेंगे बल्लेबाज पैगंबर अत्तार. इनके ऊपर सबकी निगाह, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. जब इनका बल्ला बोलता है तो रोकना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन एक दूसरे को खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भली बात ही जानते हुए. ऑफ स्टंप के बाहर कड़क शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए जाएगी. ईट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं. 105 आपको बनाने हैं, 104 अपोनेंट टीम ने बनाए हैं. अगर स्कोर 104 है तो पैगंबर अत्तार पलटवार करना भी जानते हैं. पहली गेंद पर चौका, मिला बोकार, जड़ दिया शानदार चौका. 105 रन आपको बनाने हैं. इरादे बिल्कुल स्पष्ट चौके के साथ. थोड़ी ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी. दर्शन स्टोक टाइमिंग के ऊपर निर्भर और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिद्धार्थ का स्वागत चौके के साथ. फील्डिंग में तकदीरी, डीप स्टक कवर पर खिलाड़ी तैनात. फ्लाइंग स्टेप गली पॉइंट, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी. सिद्धार्थ की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. मिड ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात. स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन पर फाइनली का खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है. स्विंग एंड मिस, ब्यूटीफुल बॉलिंग. टिप ऑफ टर्म के बाहर रखते हुए पीट हुए बल्लेबाज, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी है. स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के. ऑन सेट पर फाइन लेग पर खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है. ऑन सेट पर मिड विकेट दायरे के अंदर एक खिलाड़ी, मैदान क्षेत्र में 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर हैं. सिद्धार्थ जगदाले ऑफ टर्म के काफी बाहर गेंद और नदीम शाह वाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं. काफी ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी. वाइट बॉल के साथ स्कोर अगर देखे तुरंत संख्या 5 रन. मिस्टर एस्टा भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए. और गेंदबाजी करने वाली टीम फिलहाल रामकृष्ण बेताल अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे. सोनी स्पोर्ट बनाम रामकृष्ण बेताल, मैच नंबर 5. 105 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. अत्तर ऑन स्ट्राइक. अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद उछालता, अच्छा बाउंसर और लेकिन नियंत्रण नहीं है. काफी ऑफ टर्म के बाहर गेंद, वाइट बॉल. जैसे कि मैंने अभी चर्चा की तो मिस्टर एस्ट्रा इंपॉर्टेंट रहेंगे बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए. अनुशासन के साथ आपको गेंदबाजी करनी है और टिप्पा खाने के बाद उछालता, फिलहाल बाउंसर डालने की कोशिश, नियंत्रण नहीं है और मिस्टर एस्ट्रा से आंकड़े बदलते हैं. स्कोर अगर देखे तुरंत संख्या कुल मिलाकर 6 रन बगैर किसी नुकसान के. अतिशय सुंदर खेळ चाललाय छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण कराड येथे. चालू मॅच पाहतो आपण सनी स्पोर्ट्स इंदोली वर्सेस रामकृष्ण वेताळ या दोन टीम्स मध्ये. सिद्धार्थ याचा पुढचा चेंडू पैगंबर यांच्यासाठी, चांगला चेंडू परंतु तेवढाच चांगला स्ट्रोक पाहतोय. मिडल ऑफ द बॅट अतिशय सुंदर मिडल झाला चेंडू, परंतु तिथे फिल्डर आहे. अतिशय सुंदर फिल्डिंगची सजावट पाहतोय आपण, जसे फिल्डिंग लावले त्याचप्रमाणे गोलंदाजी करतोय सिद्धार्थ. अतिशय सुंदर ॲक्शन, हाय रम ॲक्शन, चांगला फॉलो थ्रू जे गोलंदाजासाठी लागतं ते सर्व या गोलंदाजामध्ये आहे. फक्त जर प्रॅक्टिसवरती भर दिला तर नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये हा गोलंदाज आपलं नाव उज्ज्वल करेल यामध्ये शंका नाही आहे. दरम्यान सुंदर चेंडू परंतु जास्त बाहेर गेलेला चेंडू, पंच व्हाईट बॉलचा इशारा करतायत.
अतिरिक्त वेग आहे, परंतु वेगावरती नियंत्रण असणं खूप गरजेचं असतं. क्रिकेट असो किंवा तुमचं पर्सनल लाईफ असतो असो, त्याच्यावरती आपलं नियंत्रण असणं खूप गरजेचं असतं. वेगाबरोबर नियंत्रण पण खूप गरजेचं असतं. लाईन टू लाईन गोलंदाजी करणं खूप महत्त्वाचं असेल. सिद्धार्थ याचा पुढचा चेंडू, दरम्यान हा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आणि या शॉटवरती सक्सेसफुल होत आहे. यस अंपायर कॉल, यस हा अतिशय सुंदर षटकार येईल. थोडासा ऑफसाईडला चेंडू होता आणि वेगाचा उपयोग कर केला आणि या ठिकाणी इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक पाहिला आपण. सागर निकम याच्या बॅटमधून जरी याच्या गोलंदाजीवरती मोठे प्रहार चढले असले तरी पण याच्यामध्ये देखील क्षमता आहे. दरम्यान चार बॉल होत आहेत. एक धमखम असलेला खेळाडू सागर निकम, विजय पावले त्याचबरोबर जयदीप धनवडे उर्फ जेडी यांच्यासोबत यांना मी नेहमीच खेळताना पाहतो सातारा येथे. अतिशय सुंदर स्ट्रोक पाहिला आपण सागर यांच्या बॅटमधून. सागर जेव्हा गोलंदाजी करत होते तेव्हा त्यांच्या गोलंदाजीवरती मोठा प्रहार चढला होता, परंतु त्याचा कोणताही दबाव न घेता या ठिकाणी फलंदाजी करतायत सागर निकम. सिद्धार्थ यांचा पुढचा चेंडू सागर यांच्यासाठी. यस अतिशय सुंदर चेंडू, हा देखील स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु या ठिकाणी बीट होत आहेत सागर. वेग 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 आणि वेगावरती स्वार होतोय सिद्धार्थ. वेगाबरोबर नियंत्रण पण आहे या गोलंदाजाकडे आणि जसजसा हा खेळाडू मोठमोठ्या मॅचेस खेळेल तसतसा नक्कीच, जसा हिरा चमकतो तसा नक्कीच हा चमकेल खेळाडू येणाऱ्या काळामध्ये. दरम्यान सिद्धार्थ याचा पुढचा चेंडू, हा देखील स्विच हिट आणि अतिशय सुंदर षटकार येतो सागर याच्या बॅटमधून. अतिशय वेग असून देखील अतिशय शांतपणे खेळत असलेला सागर वेगाचा पुरेपूर वापर केला आणि या ठिकाणी अतिशय सुंदर रिवर्स शॉट पाहिला आपण सागर यांच्या बॅटमधून. दरम्यान पहिल्या ओव्हरचे होते सांगता, पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ते 20, 20 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट, सनी स्पोर्ट्स सिंधोली. शुरुआत बहुत बढ़िया की है क्योंकि 20 रन आप देख रहे स्कोर बोर्ड पर, 105 रन आपको बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए और दोनों के लिए करो या मरो वाला मैच है. सभी पर स्पोर्ट और रामकृष्ण बेताल और दोनों बहुत ही बढ़िया टीमें भी हैं. समय आपको ज़्यादा नहीं लेना है. TSPL 2024 अमोल आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. अमोल मोर्चे पर बल्लेबाज की बात करें तो पैगंबर अतार बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, सागर निकम सनी स्पोर्ट के उम्दा खिलाड़ी, दोनों के पास काबिलियत. अमोल के हाथ में गेंद, दोस्तों ज्यादा समय आपको नहीं लेना है. आणखीन एक नवीन नियम येतोय, कारण एक षटक सुरू करत असताना तुम्ही किती वेळ घेताय, तो स्टार्टअप कधी करायचा आहे त्यावरती देखील नवीन नियम येतोय. पुढचं क्रिकेट चौकटीतलं असणार आहे, कारण विशिष्ट कालावधीमध्ये तुम्हाला मॅच सुरू करायचं आहे, याच कालावधी तो संपवायचा आहे, त्यावरती आपण म्हणजे नवीन नवीन नियमांची अंमलबजावणी यापूर्वी कायमशी झाले, कायमशी पुन्हा एकदा नवीन नियम येत आहेत. खूप सुंदर चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क तितकासा दिसला नाही आहे. लेग बायचा इशारा वरती देखील चर्चा होईल, कारण एक षटक तर वेळेत संपलं, पण दुसरं षटक सुरू करत असताना तुम्ही किती मधला वेळ घेताय ते देखील महत्त्वाचं असणार आहे. नक्की सर, तुमच्या मार्फत आम्हाला अनमोल या ठिकाणी मार्गदर्शन लाभतंय. क्रिकेटचे अनेक नवीन नियम आम्हाला तुमच्या मार्फत माहिती मिळते, त्याबद्दल सातारा टेनिस क्रिकेटकडून तुमचे खूप खूप आभार. आम्ही पाहतोय आमच्यासोबत आमचे गुरुवर्य प्रशांत आदवडे यांचं अनमोल मार्गदर्शन आपण पाहतोय. दरम्यान अमोल यांचा पुढचा चेंडू सागर याच्यासाठी,
घुटनाट टेक आणि तमाशा देख, चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क, सागर याच्या बॅट मधून येतोय, अतिशय सुंदर षटकार, काय बॅटिंग करतोय सागर, अतिशय सुंदर बॅटिंग, थोडासा चेंडू स्लॉट मध्ये होता, थोडासा या ठिकाणी शफल झाला आणि परफेक्ट बॉलची लेंथ ओळखली, चेंडू खाली जाऊन एक परफेक्ट या ठिकाणी स्वीप शॉट पाहिला आपण सागर निकम्याच्या बॅटमधून. या खेळाडूकडे खूप मोठी क्षमता आहे, या खेळाडूने मला देखील लगातार चार षटकार लगावले होते, त्यामुळे क्षमता आहे या खेळाडूकडे. स्वतःवरती ज्यावेळी प्रहार होतो त्यावेळी खूप वाईट वाटतं, परंतु त्यानंतर जो कमबॅक करतो त्याला म्हणतात खेळाडू. त्यानंतर सागर याची देखील मी विकेट्स प्राप्त केली होती. यस, आताच आम्हाला आमचे मित्र गौरव महादर सांगतायत, नागठारे प्रीमियर लीग मध्ये 2 शतक या खेळाडूने झळकावली होती. सर मगाशी सांगायचं अर्धवट राहिलं, सातारा येथे सलग 4 षटकार या खेळाडूने मला लगावले होते, त्यानंतर महाड येथे या 6 बॉलमध्ये 3 धावा हव्या असताना हाच खेळाडू समोर होता, त्यावेळी त्या 3 धावा मी या ठिकाणी डिफेंड केल्या होत्या, त्यामुळे खूप मजा येते असं बॅटल ज्यावेळी रंगतं त्यावेळी. दरम्यान आता भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे सागर, दरम्यान शॉट या ठिकाणी, यस नो मॅन्स लँडमध्ये या ठिकाणी पडतोय, चेंड होतोय सीमारेषेबाहेर, फरार हा येतोय मिड विकेटच्या दिशेने, अतिशय सुंदर चौकार. बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे, पावर प्ले जब ऑन है तब जाकर बहुत सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर है और केवल 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन के तरफ, बॉडी लाइन पे बहुत करीब, तो उसका फायदा उठाते हैं. स्कोर इसी के साथ 31 रन. ईट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं सागर निकम का बल्ला बोल रहा है, अमोल के ऊपर हमला, स्पष्ट ऑफसाइड पर सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर है. ऑन साइड पर देखे तो ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, अमोल की अगली गेंद सामना करने के लिए सागर निकम तैयार. सुंदर गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद घुमाव था, गेंद थोड़ी नीचे रही है, स्वीप करना चाह रहे थे, गति परिवर्तन कर रहे हैं, ज्यादा गति नहीं दे रहे सागर निकम, गति चाह रहे हैं, लेकिन अमोल चतुरे के साथ गेंदबाजी, शातिर गेंदबाज है. स्कोर 31. पाटल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं 2 बड़े खिलाड़ी, अमोल ने बस अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया. एक तरफ अगर देखे तो सागर के पास फॉर्म बहुत अच्छा है. इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, क्या ढूंढा, टाइमिंग बेहतरीन, इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉडी तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. और अभी काट रहे, छलांग लगा के गेंद को रोकने की कोशिश जरूर की, फुल टॉस गेंद थी, सही नसीहत देते हुए टाइमिंग और प्लेसमेंट. स्कोर 35-35 रन. प्रारंभिक बल्लेबाज लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, मारुति मैच ऑन है, 105 रन आपको चाहिए और 12 गेंदों में आपने 35 बनाए हैं तो ये ड्रीम स्टार्ट. सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, उसी तरह से सागर और अत्तर के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती, 35 रन ड्रीम स्टार्ट. यस सर, अतिशय चांगली सुरुवात झाली, तुम्हाला अगोदर सांगितलं होतं सर की सामना शेवटपर्यंत जाणार आहे, हा सामना बघण्यासाठी अनेक प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी आलेला आहे, यूट्यूबवरती देखील हा सामना रंगतदार अनेक प्रेक्षक पाहत आहेत, कृपया सामना स्पीडअप घ्या रोहित पाटील, सामना स्पीडअप घ्या, कारण अजून एक सामना आपल्याला खेळवायचा आहे, त्यामुळे सामना नक्कीच स्पीडअप घ्या. थोडीशी स्ट्रॅटेजी या ठिकाणी आखली जाते, कारण भन्नाट फॉर्ममध्ये हे 2 फलंदाजी फलंदाज करताना पाहतोय. सागर निकम सनी स्पोर्ट्स इंदोलीमध्ये अनेक मोठे दिग्गज फलंदाज आहेत आणि 2 पहिले सलामीवीर या ठिकाणी अतिशय सुंदर सलामी देताना पाहतोय. मारुती, इसका मतलब है, संकेत हमें बता रहे की ये मैच बहुत अच्छा हो जाएगा, 12 गेंद में 35 और यही संकेत मिल रहे संकेत से. आफ्टर 2 ओवर 35 रन मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय अत्तार एंड सागर निकम. जास्त वेळ जाते आपण टेस्ट क्रिकेट नाही खेळत आहोत, एवढा वेळ घेऊ नका प्लीज, सामना लगेच सुरू करा. सादिक राजापूरकर सातत्यानं तेच दाखवत आहेत, मित्रांनो तुमचं घड्याळ कुठं आहे, तुमचं घड्याळ कुठं आहे, ते सारखं दाखवत आहेत बघा सातत्यानं, सादिकबाई तेच दाखवत आहेत. हा कॉल आहे, हा फायनल कॉल आहे, त्यानंतर समजा वॉर्निंग दिली गेली आहे, वॉर्निंग दिली गेली आहे, त्यानंतर पॅनलाइज केलं जाईल.
प्लीज जास्त वेळ जातोय, म्हणजे मी समजू शकतो की रोहित शर्माला त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी फिरवून आणलं हार्दिक पांड्याने, तसे राजेशला देखील फिरवलं जाते का? राजेश आत्ता कुठं जागेवरती आलाय? जशीचा नंबर 45, काय योगायोग आहे, काय योगायोग आहे? चेंडू लेक्स्टर्मच्या दिशेने जाणारा पंच बघूया काय निर्णय घेतात यावेळेला. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण आणि एक अत्यंत महत्वाची धाव देखील दापल करती. धाबा आपण बघितले तर 36 धाबा दापल करती, 35 धाबा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 7 षटकांचा सामना. छत्रपती शिवाजी महाराज चषक 2024 क्रिकेटमध्ये आहे ना, म्हणजे एखादा सुवर्ण काळ येतो तो काही दिवसच असतो किंवा काही वर्ष असतो हे क्रिकेटपटूंनी प्रत्येकाला जाणून घेतलं पाहिजे. आणि जेव्हा सुवर्ण काळ आहेत, जेव्हा तुमचा फॉर्म चांगला चालू असतो, त्यावेळेस तुम्हाला लोक डोक्यावरती घेतात. आणि जर तुमचा फॉर्म गेला म्हणजे तर तेच लोक तुमच्या बिल्डिंगच्या काचा फोडायला जो कमी करणार. असं क्रिकेट आहे, क्रिकेट भारतातल्या प्रत्येक माणसासाठी धर्म बनला आहे. परंतु मला असं सांगायचं की दोन्ही बाजूला तोच खेळाडू आहे, त्याचा फॉर्म गेला आहे म्हणून त्याचा दुश्वास करणं, त्याचा सन्मान त्या ठिकाणी पण होणं गरजेचं आहे. मला फटका तर चांगला सुंदर पद्धतीनं खेळलाय, बोलोच्या डोक्यावरून स्क्रीनवरती आदळतोय षटकार. शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर, स्कोर छलांग लगातार पोहोच चुका है 42 रन. जब तक बल्ला बोल रहा है तब तक थाट है, नहीं तो टाई टाई फिश. देखिए क्रिकेट का खेल है, जीतने के लिए 105 रनों की जरूरत है. दोनों बल्लेबाज दुबादर बल्लेबाजी कर रहे हैं. सागर का बल्ला बोल रहा है, बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक. छोटी गेंद पर प्रहार, गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन के बाहर. मैग्निफिसेंट बैटिंग, 4 रन. लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, जवाबी हमला मैदान के अंदर. और दर्शक भी बिल्कुल यही चाह रहे हैं, यहां समर्थन मिलेगा बल्लेबाज सागर को. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर, दबाव बनाते हुए गेंदबाज के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं. गेंदबाज अपनी बोरिंग मार पर सुहास पाटोले. पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया था, दूसरी गेंद छोटी थी लेग स्टंप के ऊपर, थोड़ा घूम कर देख घुमा के गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री रन के बाहर 4 रनों के लिए. और अपनी बोरिंग मार पर तैयार सुहास, सामना करेंगे सागर. सागर ऑन स्ट्राइक, रिवर्स स्वीप, कहां रुकने वाले हैं, कहां सिंगल लेने वाले हैं, कहां सिंगल लेने वाले हैं. ये तो 6 के नीचे सोचते नहीं, आत्मविश्वास देखिए, टाइमिंग देखिए, गेंद बाउंड्री रन के बाद 6 रन. सागर का बल्ला बोल रहा है. इसी के साथ स्कोर छलांग लगातार पहुंच चुका है 52, 50 रन पूरे हुए हैं. सनी स्पोर्ट इंदौली की गाड़ी रमपम पम जा रही है, उसके ड्राइवर कौन है? सागर निकम ड्राइविंग सीट पर है. दुबा दरपारी अभी तक 42 पर खेल रहे हैं. 11 गेंदों का सामना किया, फुल टॉस गेंद ड्राइव किया है. खिलाड़ी डीपी स्ट्राइक ओवर पर मौजूद है, 1 रन लेने का मौका. पैकअप पर अपने पास स्ट्राइक रख रहे हैं. स्कोर 53, जवाबी हमला, बिल्कुल जवाबी हमला. तीसरा ओवर और तीसरे ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी सुहास द्वारा, सुहास के खिलाफ खास करके बल्लेबाज की तरफ से. सुहास ने भी बढ़िया प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन इस ओवर की बात करें, इंपॉर्टेंट खेल है दोनों टीमों के लिए. स्ट्राइकर इन पर पैगंबर अतार, मिस्टर स्टोकाबा में गेंद है, वैसे कोई खिलाड़ी नहीं है. राजेश को भागना पड़ा, दो रन लेने का मौका. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी, जान हथेली भी लेके भाग रहे थे बल्लेबाज. पैगंबर अतार, भागना पड़ेगा. स्कोर 55, 55. 3 ओवर का खेल, जीतने के लिए फिलहाल आने वाले 4 ओवर में 24 गेंदों में 49, 50 रनों की जरूरत. 24 गेंदे 50 रनों की जरूरत है. मैच बिल्कुल ऑन रहेगा जब तक ये दोनों बल्लेबाज है. साझेदारी बहुत अच्छी बन रही है, अच्छा खेल मैदान के अंदर देखने का मौका दर्शकों को जरूर मिलता बा. और बेहतरीन खेल है, उसमें कोई संदेह नहीं है. लाजवाब खेल मैदान के अंदर. दुबादर बल्लेबाजी रही है, चर्चा करने के लिए मजबूर किया. और मैं हमेशा कहता हूं शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है. जलपान के लिए भी खेल रुका, मारुति हमारे साथ चर्चा करने के लिए
और तीन ओवर में 55, बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी रही है सागर निकम और बल्लेबाज पैगंबर अतार। जनपाल के लिए खेल रुका हुआ है, पहले तीन ओवर के बारे में क्या कहेंगे? नक्की सर, कैलक्युलेशन क्रिकेट खेळतात हे दोन फलंदाज, कारण जसा सागर खोल असतो तसेच या ठिकाणी या फलंदाजाची फलंदाजी देखील खूप खोल आहे। महत्त्वाचं म्हणजे कोणती रिस्क नेता न घेता अतिशय सुंदर स्ट्रोक सागर याच्या बॅटमधून पाहिलेत आपण, कोणती चूक न करता हे सर्व शॉर्ट सागरने खेळले, त्यामुळे एक वेगळाच कॉन्फिडन्स बिल्ड झाला आहे सागर याचा। आता नक्कीच काय स्ट्रॅटेजी असेल या ठिकाणी ड्रिंक्स ब्रेक नंतर, कारण थोडासा सामना थांबल्यानंतर सामन्याचा थोडासा मोमेंटम चेंज होतो, आता तो मोमेंटम बॅट्समनच्या बाजूने जातो आहे की फिल्डिंग करणाऱ्या टीमच्या बाजूने जातो आहे आपण नक्कीच यानंतर पाहणार आहोत। आणि चौथी ओव्हरून घेऊन येत आहेत ते सिद्धार्थ जगदाने। सिद्धार्थ जगदाले के हाथ में गेंद और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे बल्लेबाज सागर। पैगंबर 9 स्ट्राइक रेंज पर हैं, समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। नो रिमेनिंग 24 डिलीवरीज एंड नीड 50 रन टू विन दिस मैच, सो वेरी गुड बैटल गोइंग ऑन हियर बिटवीन बैट एंड बॉल। सिद्धार्थ जगदाले ऑन हिज बॉलिंग मार्क, सागर ने कम ऑन स्ट्राइक, लुक एट दिस फील्डिंग, थर्ड बैट पॉइंट कैबा लॉन्ग अप, फोर फील्डर फाइव फील्डर ऑन टू द ऑफसाइड, पॉइंट ऑन टू द बाउंड्री लाइन, लॉन्ग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग ऑन टू द बाउंड्री लाइन। सिद्धार्थ जगदाले रुक गए हैं और फिलहाल इस वक्त सागर निगम की पारी कमाल की पारी रही है, 43 पर खेल रहे हैं, 12 गेंदों का सामना किया है, संकेत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और इंटरेस्टिंग मैच है शाम का सत्र, और डूबता हुआ सूरज कम होती भी रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम और शाम में अपना नाम कौन करेगा वो देखना बहुत जरूरी। सिद्धार्थ तैयार, सामना करेंगे सागर, अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग अप क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी तैनात है बॉडलाइन पर, 44 पर पहुंच चुके सागर निकम, अभी तक 2 अर्धशतक, एक अमोल के बल्ले से 21 गेंदों में 70 रन, उसके बाद में 28 गेंदों में 90 से ज्यादा रन बनाए थे विजय पावले ने, और फिलहाल मौका है बल्लेबाज सागर निकम को, 44 पर बल्लेबाजी कर रहे अर्धशतक बनाने का। सिद्धार्थ जगदाले अपनी बॉलिंग मार पर तैयार, विकेट की तलाश में रहेंगे। रामकृष्ण टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, क्या करेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग ऑन पर गाना बज गया है, उड़ी उड़ी जाए गेंद, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अब आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है, स्कोर इसी के साथ 60 रन। आपके पास गेंदे कितनी शेष है वो भी देखा जाएगा, समीकर आपको बताएंगे। अब जाकर 23 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है, मैच ऑन है, 22 गेंदों का खेल, 22 गेंदे शेष। स्मार्ट सुंदर स्ट्रोक, गैप ढूंढा लेकिन अविनाश है, कमाल के खिलाड़ी, सुंदर फील्डिंग, इस मैदान को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए, भली बात ही जानते हुए खिलाड़ी अविनाश, और अविनाश की बात करें तो एक ओनर भी है, खिलाड़ी भी है, आयोजनकर्ता भी है, और हमारे फौजी साहब जो नाना है उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं, फिलहाल मैदान में अपना योगदान देने की जरूरत है। स्कोर 61 पर 9, जस्ट गेट टारगेट ऑफ 105 रन। सिद्धार्थ जगदाले अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ओ क्या बात है, हवा के संग संग घटा के साथ साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए, और इसी के साथ अर्धशतक पूरा हुआ सागर निकम, अर्धशतक पूरा करते हुए सागर भाई, बल्ला ऊपर उठाइए सागर निकम, सागर निकम अर्धशतक पूर्ण झालंय, तुमची बॅट थोडी हवेत गया, रन बनाने के मौके होते हजार, अर्धशतक नहीं आता बार बार, जोरदार तालियां होनी चाहिए सागर निकम के लिए। एक्सीलेंट बैटिंग, ग्रेट बैटिंग, 50 रन पूरे किए, पहले विजय पावले उसके बाद में अनमोल अमोल, अब जाकर सागर निकम अपना दमखम दिखाते हुए। सिद्धार्थ के ऊपर हमला, बैकफुट पर अच्छा स्ट्रोक, अब इनको बॉल बॉल नहीं फुटबॉल जैसा दिखाई दे रहा है,
स्कोर इसी के साथ 67 बगैर किसी नुकसान के, पहले विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी। सनी स्पोर्ट टीम के लिए रामकृष्ण बाबीताल टीम संघर्ष कर रही है, विकेट नहीं आ रहा है। सनी स्पोर्ट ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया है। सिद्धार्थ ओ फुल टॉस गेंद थी, अच्छा कनेक्शन नहीं है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। एक रन देने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 पर 9, 68 रन। ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा ओवर, आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष, और आपके पास अभी भी 19 गेंदों का खेल और जीतने के लिए चाहिए 37 रन। शुक्रिया संकेत। अपने बॉडी मार पर सिद्धार्थ गया, सामना करेंगे पैगंबर अतार। ओ क्या बात है, सुंदर स्ट्रोक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, अतार का प्रहार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, हवाई फायर, दर्शक बन गए फील्डर और यह लगा शानदार सिक्सर। आंख दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। एक्शन रिप्ले में देखे, स्लॉट पे गेंद थी, बल्लेबाज पहले से तैयार थे, थोड़ा सा बैकफुट पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को खेल दिया। आंकड़े बदलते हुए खेल बदलता हुआ, खेल का रंग बदला है। अब जीतने के लिए फिलहाल चाहिए 31 और आपके पास 18 गेंदे शेष है, 18 गेंदे 31। इस ओवर में बहुत ज्यादा रन आए हैं और दोनों तरफ बराबर का आक्रमण हुआ, दोनों तरफ बराबर की पिटाई हुई है। मैग्निफिसेंट बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी, 18 गेंदे 31, कहां से कहां मैच आया। और पहले विकेट के लिए एक जबरदस्त साझेदारी 74 रनों की, और उसमें डोमिनेट किया पहले बल्लेबाज सागर निकम ने, अपना अर्धशतक जड़ दिया। पंद्रह गेंदों का सामना किया, अर्धशतक जड़ा, जड़ने का कारनामा किया। कल की बात करें तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा, विजय पावले ने धुआंधार बल्लेबाजी की, पप्पू की बल्लेबाजी बहुत ही लाजवाब थी। आज अमोल ने बताया कि मेरा नाम अमोल है लेकिन आपकी टीम के लिए मैं अनमोल हूं। उसके बाद में दमखम दिखाते हुए सागर निकम। नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवरीज है, नीड 31 रन टू विन दिस मैच, विकेट चाहिए मैच में कम बैक करने के लिए रामकृष्ण बेताल टीम को। या भी स्लॉग स्वीप, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी आउट, हवा के कारण गेंद नहीं चली गई। राजेश को पता नहीं था, इनको लगा कि कनेक्शन हुआ है और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। हवा के खिलाफ खेल रहे हैं इसीलिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं चली गई, जहां राजेश खड़े थे उनके गोदी में चली गई। राजेश पूरी तरह से हक्का बक्का है, क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, मैजिक कहां से हुआ। क्रिकेट का खेल है, मैदान के अंदर वो पानी चला गया था, मैदान के अंदर चला गया था पानी और बदल गई है इस क्रिकेट के खेल की कहानी। राजेश तो पूरी तरह से आश्चर्यचकित है, हुआ तो क्या हुआ मैदान के अंदर। शॉट अच्छा नहीं था,